हेलो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट वेरी न्यू टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। जनरली टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल्स के बारे में पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। तो अब हम देखते हैं कंट्रोल। जनरली टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरल कंट्रोल? न्यूरल कंट्रोल का जनरल मीनिंग होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स और फास्ट रिस्पॉन्स। फास्ट रिस्पॉन्स ऐसे अपनी बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल सिस्टम होता है, मतलब कि नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे अपन लोग बात करते हैं कोई चीज, अपन लोग सेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स अपन सेंस करते हैं और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज पॉजिटिव बायो न्यूरल कंट्रोल्स। एंड सेकेंड वन इज केमिकल कंट्रोल्स, दैट इज कंट्रोल्ड बाई द केमिकल, दैट इज कंट्रोल्ड बाई केमिकल्स। Controlled by chemicals, that is a chemical control. That is a slow response. That's slow response. Slow response. Slow response का मतलब क्या है? जैसे हम कोई medicines को खाते हैं और वो medicines क्या है? Suddenly, अचानक आपके suddenly absorb नहीं होती है अपनी body में, या फिर suddenly वो बंद नहीं करती है, उसको कुछ time लगता है, उसे हम बोलते हैं chemical control. स्लो रिस्पॉन्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में। तो अपन लोग जनरली थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहले जो ग्लैंड्स आती हैं, उन ग्लैंड्स को अपन लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड थर्ड वन इज एट्रोक्राइन ग्लैंड, एट्रोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड? विच ग्लैंड डक्ट आर प्रेजेंट, डक्ट आर प्रेजेंट, डक्ट आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज ए डक्टलेस ग्लैंड, दैट इज ए डक्टलेस ग्लैंड। एंड देयर सेक्रेशन इन द ब्लड, एंड देयर सेक्रेशन इन द ब्लड, सेक्रेशन इन द ब्लड। तो इन्हें अपन लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब जिसमें जो सीक्रेशन है वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्लड या फिर कोई कैविटी है उनमें डायरेक्टली जाके मिल रहा है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, या फिर इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाट इज मिक्स्ड ग्लैंड? व्हिच हैव डुअल ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड It has dual nature, endocrine and exocrine, and exocrine. जैसे जो पैनक्रियास होता है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब सबसे नेक्स्ट बात आती है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इस चैप्टर में अपन लोगों को पढ़ना है टोटली इसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसका सीक्रेशन कर रही हैं, व्हिच सब्सटेंस टू बी सीक्रेट। तो अपन लोग इसमें देखते हैं व्हिच सब्सटेंस टू बी सीक्रेट इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अपन लोग बात करते हैं हार्मोन्स, हार्मोन्स। आप जानते हैं अपन लोग बात करें हार्मोन्स, सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं हार्मोन्स की। जो हार्मोन्स टर्म है
तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर दिया हार्मोन्स को। इसके बाद व्हाट इज हार्मोन्स, हार्मोन्स होते क्या है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं हम लोग इनको बोलते हैं, इट इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड इट इज फाउंड इन ट्रेस एमोन दैट इज ए हार्मोन्स। इसे अब हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। इसके बाद होलोग्राइन। तो ये इसका बेसिक्स था।